हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो मैं उन लोको पायलट्स को सलामी देके शुरू करना चाहता हूं जिनके लिए हम रेलवे में सेफली सफर करते हैं। दोस्तों, रेलवे के हॉकिंग और रेलवे के हॉर्न से ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले परेशान रहते हैं, आसपास की जनता या फिर जो लोग रेलवे लाइंस के आसपास रहते हैं वो लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और दोस्तों, आप कभी लोको पायलट्स के बारे में भी सोचिए, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जब वो घर जाके टीवी देखते हैं तो उनके नेबर्स को क्लियरली पता चल जाता है कि वो लोग क्या देख रहे हैं। दोस्तों, विथ टाइम वो लोग अपनी देख सुनने की शक्ति को धीरे धीरे खोते चले जाते हैं। तो दोस्तों, सलामी उन लोगों को। आइए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने दोस्तों ज़रूर ध्यान दिया होगा कि इंडियन रेलवेज बहुत ज़्यादा हॉन्क और बहुत ज़्यादा हॉर्न देता रहता है। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हॉर्न दोस्तों एक लोकोमोटिव का एसेंशियल पार्ट होता है। अगर आपका हॉर्न काम नहीं कर रहा हो तो उस लोको को, उस लोकोमोटिव को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी लोकोमोटिव विदाउट हॉर्न नहीं ट्रेवल कर सकता। पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए इंडियन रेलवेज ने लोको पायलट्स को कुछ गाइडलाइंस दिए होते हैं, जिससे उनको इन एक्शंस में से कोई भी एक एक्शन कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करते रहना होता है। जैसे आपकी ट्रेन की स्पीड को कमाना या बढ़ाना, हॉकिंग करते रहना, या अगर आप नॉनस्टॉप जा रहे हो तो स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करते रहना। अब दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जैसे आप दुरंतो या राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो जो नॉनस्टॉप जाते हैं, तो वो लोग कॉन्स्टेंटली हॉन्क करते हुए निकलते हैं। और अगर कोई लोको पायलट ये सब एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है, ये मैटर तुरंत एस्केलेट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसमें बैठे हजारों लोगों की ज़िंदगी का सवाल रहता है। इंडियन रेलवेज के रूल के हिसाब से एक लोको पायलट को लेवल क्रॉसिंग, कर्व्स, टनल, ब्रिज, और अगर आपके रेलवे ट्रैक मैन जो काम कर रहे हों, अगर ऐसे जगह पे ट्रेन आपकी जा रही है या फिर आपके स्टेशन अप्रोच हो रहा हो या मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, तो उनको विसल या हॉर्न करते रहना होता है। उसमें ये विसल जो होता है ये आपका कम्युनिकेट करने के काम आता है स्टेशन शाफ, आपके गार्ड, कैबिन मैन और आपके ट्रैक मैन के साथ। इंडिया में ढेर सारे ऐसे भी लेवल क्रॉसिंग है जो मैन्ड है और कुछ तो अनमैन्ड भी है। अब सारे के सारे लेवल क्रॉसिंग में ट्रेन के ड्राइवर को, ट्रेन के लोको पायलट को कॉन्स्टेंटली विसल करना होता है जब वो WL का बोर्ड देखते हैं। अब दोस्तों, आप सोच ही रहे होंगे कि WL का बोर्ड क्या होता है। अब दोस्तों, W का मतलब होता है विसल। अगर आप कभी W/L देखते हैं तो इसका मतलब है आपका विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग। आप कभी कभी इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, इसको सीफा किया जाता है। सीफा का मतलब होता है सीटी बजाओ, फाटक आ रहा है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही ऐसा कोई बोर्ड एक लोको पायलट देखता है तो कॉन्स्टेंटली हॉर्न बजाना शुरू करता है जब तक कि सेफ डिस्टेंस वो कवर नहीं कर लेता। अगर वो लेवल क्रॉसिंग है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो ब्रिज है, तो बहुत रेयरली आपने WB भी देखा होगा, जिसका मतलब है कि दोस्तों विसिल करो, ब्रिज आ रहा है। तो ये जितने के जितने इंडिकेटर्स हैं, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स उन रोड्स, उन आपके रेलवे ट्रैक्स के आसपास लगा दिए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे पास्ट बहुत सारे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हुए होते हैं। आइए अब कुछ कॉमन रीजंस को भी देखते हैं। बहुत बार रेलवे आपकी हॉन्क करती है अगर आप किसी स्टेशन में उतरे हों। ऐसा बहुत बार होता है कि अगर कोई ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी है तो हम फट से उतरते हैं पानी भरने के लिए, खाना लेके आने के लिए। अब उस ट्रेन का उस स्टेशन पे एक मिनट का ही स्टॉप है, तो लोगों की सेफ्टी के लिए कि लोग ट्रेन के पीछे दौड़ना ना शुरू कर दें, रेलवे ट्रेन स्टार्ट करने से पहले हॉन्क करती है। अब यहाँ पे रेलवे के कुछ अगेन गाइडलाइंस है, कितने टाइप के हॉन्क होते हैं, कितने टाइप के हॉर्न्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। जब रेलवे स्टार्ट कर रही हो एक ट्रेन, उसका क्या मतलब होता है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक कम्प्लीट वीडियो उस पर ज़रूर मिल जाएगा। अब दोस्तों, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब लोग आपके केयरलेसली ट्रैक्स क्रॉस कर रहे होते हैं। अगर आप इवनिंग में देखेंगे जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन इलाका रहता है दोस्तों, वहाँ पे रेलवे लाइंस पे लोग आराम से घर बना के बैठे होते हैं, पत्ते खेल रहे होते हैं। अब एक रेलवे ड्राइवर जो उधर से बहुत स्पीड से आ रहा है, वो तो ब्रेक नहीं ले सकता है। वो बहुत ज़्यादा कोशिश यही करता है कि वो हॉर्न करे, हॉर्न दे, ताकि लोग रेलवे ट्रैक से बाहर निकल जाए। और अगर उसके बाद भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग तो रेलवे पायलट को ही डांट रहे होते हैं कि उसी की गलती से हुआ, उसने दूर से देखा नहीं। ये कोई नहीं देखता है कि लोग सेल्फी लेने के लिए, लोग ट्रैक्स पे खेलने के लिए ट्रैक्स पे बैठे होते हैं। रेलवे का जो आपके लोको पायलट होते हैं वो ऐसे ब्रेक नहीं दे सकते हैं। आप एक बात सोचिए, दो लोगों को बचाने के लिए आपके ट्रेन के अंदर हज़ार से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों की जान को कैसे खतरे में डाल दिया जाए। तो दोस्तों, यही मेजर रीजंस हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा रेलवे हॉकिंग करता है, ठीक है। और
हम लोगों को भी लोको पायलट्स को सलाम देना चाहिए, क्योंकि हम तो हॉन्क एक या दो बार ही सुनते हैं अगर हम ट्रेन के आसपास जा रहे हों। उन लोगों का सोचिए जो दिन में 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और या फिर उससे ज़्यादा भी करते हैं और ये कॉन्स्टेंटली हॉन्किंग सुन रहे होते हैं। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि उन्होंने कान में रुई या फिर कुछ ऐसे दोस्तों मटेरियल्स आते हैं वो डाल देते हैं ताकि उनको आवाज़ ना आए, पर दोस्तों वैसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा करेंगे तो आप खुद सोचिए, उनको भी पता नहीं चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, तो वो लोग अलर्ट रहने के लिए हमेशा ये हॉन्किंग ये सब करते रहते हैं। तो दोस्तों सलाम उन लोगों को, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है जिसमें वो 11 टाइप्स ऑफ हॉन्क्स हॉर्न जो इंडियन रेलवेज देती है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।